हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यह शॉर्ट कमांड सीरीज का 5th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी ईयर के मंथ्स को शॉर्ट कैसे किया जाता है। यदि किसी टेक्स्ट फाइल में मंथ्स के नेम यूज हो रहे हैं और आपको उनको शॉर्ट करना है मंथ्स के नेम को, तो शॉर्ट कैसे करते हैं वो इस वीडियो हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको शॉर्ट कमांड के साथ में हाइपन कैपिटल M ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इसका रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट कमांड, उसके बाद हाइपन कैपिटल M ऑप्शन, उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल का कंटेंट आपको शॉर्ट करना है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो मैंने फाइल का नेम दिया है month.txt, इसमें मैंने कुछ मंथ के नेम ऐड किए हुए हैं। अब इन मंथ्स के नेम को मुझे सॉर्ट करना है। जैसे अभी ये सॉर्टेड नहीं है, जैसे पहले फरवरी आ रहा, फिर मार्च, फिर जनवरी, फिर अप्रैल, फिर जून, अब इनको मुझे सॉर्ट करना है। तो इसके लिए सॉर्ट कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, सॉर्ट फिर हाइपन कैपिटल M ऑप्शन और उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिसके कंटेंट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, अब ये जो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है ये सॉर्टेड है। सबसे पहले जनवरी आ रहा है, फिर फरवरी शो हो रहा है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, यानी मंथ के हिसाब से ये सॉर्टेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप किसी टेक्स्ट फाइल में अगर मंथ के नेम यूज हो रहे हैं तो आप इस प्रकार हाइपन कैपिटल M ऑप्शन की सहायता से उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।